हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपकी जीएस के एजुकेटर, आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या किया था, मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी आपके माउंटेन्स, प्लेन्स एंड उसके साथ में प्लेट्यू। एंड माउंटेन्स की मैंने बिगिनिंग आपको बता दी थी कि कितने प्रकार के आपके पर्वत होते हैं, एंड उन्हीं पर्वतों को आगे बढ़ाते हो, उन्हीं चीज़ों को आगे करते हो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके माउंटेन्स में, बेसिकली इंडिया में कौन कौन से माउंटेन हैं, कौन से पर्वत हैं जो फेमस हैं, एंड इसके साथ में विश्व में कौन से पर्वत हैं जो फेमस हैं, वो आपको आज पढ़ने को मिलेगा। लेकिन चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अब आपको है। एंड हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होगा कि प्रीवियसली बहुत दिनों से वीडियोस नहीं गए थे, बट अभी मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस क्या करती रहूंगी, प्रोवाइड करती रहूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक, जो कि है बेसिकली बेस्ड आपके माउंटेन्स के ऊपर, जो कि इंडिया में कौन कौन से माउंटेन है आपसे पूछा आता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो इंडियन माउंटेन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन माउंटेन्स, ठीक, या आपके भारत में जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे भारत के पर्वत। अब सबसे पहली बात क्या आती है, जब पर्वत की बात करी जाती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिया का मैप क्या है। मतलब अगर मैं आपको इंडिया बताऊंगी तो इंडिया में आपको एटलीस्ट स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, तब आप लोग क्या करोगे, ढंग से समझ पाओगे कि ये पर्वत यहाँ पे पड़ेगा या ये पर्वत यहाँ पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कहाँ से, आपकी नॉर्थ इंडिया से, कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से पर्वत हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो अगर मैं बात करूंगी किसकी, आपकी नॉर्थ इंडिया की, तो ये तो आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा जे एंड के है। एंड अगर इससे हम लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को क्या होंगे, मल्टीपल स्टेट्स के बारे में पता चलता रहेगा कि सपोज ये आपका क्या है, या आपका ये जम्मू कश्मीर है, ये है आपका पंजाब, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल को मैंने एचपी से लिख दिया, हिमाचल प्रदेश है ये आपका। हिमाचल प्रदेश के अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड यहाँ पे उत्तराखंड है यूके, यानी कि उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम, ठीक। नीचे आएंगे तो नीचे आपका पड़ता है क्या, एक प्लेन पड़ता है, एंड प्लेन वाला रीजन पड़ता है जिसको आप बोलते हो आपका उत्तर प्रदेश। तो सभी को पता होगा अगर मैं पॉलिटिकली के हिसाब से देखूं तो यूके एंड यूपी पहले आपके एक ही पार्ट थे, एक ही पूरा स्टेट था। देन सन 2000 में या ईयर 2000 में उत्तराखंड को, जो कि पर्वतीय क्षेत्र था, माउंटेनियर एरिया था, रीजन था, उसको सेपरेट कर दिया गया प्लेन वाले रीजन से, यानी कि यूपी से। एंड अभी ये दो स्टेट अलग अलग हो गई हैं। देन अगर उत्तराखंड की हम लोग इस साइड की बात करेंगे तो यहां पे पड़ता है आपका हरियाणा, क्या पड़ता है, हरियाणा। एंड हरियाणा के बाद में आपका अगर ये जगह देखोगे तो यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे आप इस तरीके से कुछ मैच कर सकते हो, यहां पड़ता है आपका दिल्ली, एंड इस साइड में आपका पड़ जाएगा राजस्थान, क्या पड़ जाएगा, राजस्थान। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अभी नॉर्थ इंडिया का मैप बनाना है, जिसमें मैंने आपको यूपी तक लाई हूँ, यूपी के साथ में यहाँ पे मैं बिहार को भी क्या कर ले रही हूँ, टच कर दे रही हूँ, ये आपका बिहार है। एंड अगर आप लोग देखोगे क्या कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जस्ट ऊपर में एक अलग कंट्री पड़ जाती है जिसको आप लोग बोलते हो आपकी नेपाल, तो यहाँ पे पड़ता है आपका नेपाल। तो नेपाल जो कि आपको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, एंड माउंट एवरेस्ट है उसके बारे में पूछा आता है, साथ में और भी पीक्स के बारे में पूछा आता है, तो उनको मैं डिस्कस करूंगी। तो अभी क्या करना है, आपको देखना है जम्मू एंड कश्मीर को, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को। तो जम्मू एंड कश्मीर ये है जो आपका ये माउंटेनियर रेंज है, क्या है आपका, माउंटेन नियर रीजन है, यानी कि यहां पे आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। खैर, हिमाचल प्रदेश में भी आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में भी आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, नेपाल में भी आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे पर्वत, साथ ही बिहार में भी नहीं देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पड़ता है राजस्थान, बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे माउंटेन, एंड हरियाणा में नहीं मिलेंगे आपको, पंजाब में भी नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली अभी आपको अगर आप इंडिया के माउंटेन्स की बात कर रहे हो, आपको फोकस करना है, तो आप जम्मू कश्मीर में फोकस करोगे, आप हिमाचल प्रदेश में फोकस करोगे, आप उत्तराखंड में फोकस करोगे, साथ ही साथ में आप नेपाल में भी फोकस करोगे, क्योंकि ये से जुड़ा हुआ है, तो मैं साथ में ही क्या करूंगी, इसको बता दूंगी। खैर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आप इतना एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टेट कहां पे पड़ती है नॉर्थ इंडिया की, एंड उस हिसाब से मैंने क्या किया, यहां पे बना दिया है। देखिए, अब क्या है कि हम सभी लोगों को पता है कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, जो पीक है, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक। एंड ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये पड़ता है आपका हिमालय में, कहां पड़ता है आपका, हिमालय में पड़ता है। तो हिमालय अपनी क्या है, अपने आप में एक पर्वत की श्रृंखला है, तो इस पर्वत श्रृंखला को भी हम लोगों ने क्या किया है, तीन चार पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। कैसे करेंगे, देखिए, अगर मैं बात करती हूं किसकी, हिमालय की, हिमालय, ठीक। तो अगर मैं हिमालय श्रृंखला की या हिमालयन रेंज की बात करूंगी, मैं रेंज लिख दे रही हूं यहां पे, या हिमालयन, हिमालय श्रृंखला,
की श्रृंखला। ठीक, अगर मैं क्या करूंगी इसकी बात करूंगी तो इसमें हम लोग श्रृंखला की बात करें तो इसको हम लोगों ने बेसिकली, आप लोग बहुत सारी बुक्स में तरीके की चीजें देखते होंगे, कहीं आप देखते होंगे ट्रांस हिमालय, कहीं आप देखते होंगे ग्रेटर हिमालय, कहीं आप देखते होंगे लेसर हिमालय एंड कहीं आप देखते होंगे आउटर हिमालय। तो इन सारे हिमालयों में हम लोगों ने क्या किया है, आपके पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्या किया, विभाजित किया हुआ है। यहाँ पे मैं बेसिकली इंडिया को कंसीडर करके इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ एंड मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर मैं हिमालय को नंबर वन में बताऊं, अगर मैं आपका जो हिमालय है इसको हम लोग सबसे ऊपरी भाग में लेके जाएं इंडिया में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं? आपका ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के बाद में आपका जो सेकंड पार्ट है या सेकंड जो नंबर पड़ जाएगा, जो आपके हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की जो एक अपनी हिमाचल रेंज में ही, पूरे में हिमाचल में ही श्रृंखला है, तो उसको आप लोग बोलते हो आपका ग्रेटर हिमालय के बाद में लेसर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बाद में आपका आता है आउटर हिमालय। कौन सा हिमालय? आपका आउटर हिमालय। ठीक है, अब क्या देखना है आपको, समझना क्या है, इनको हम लोग कुछ अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय इसको बृहद हिमालय बोल दिया गया, अगर लेसर हिमालय की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल। क्या बोलते हैं? हिमाचल श्रृंखला, या बोलेंगे सीरीज बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना है सीरीज। ठीक है, देन अगर मैं बात करूंगी शिवालिक की, तो शिवालिक को आप लोग बोल सकते हो कि ये जो शिवालय हिमाचल श्रृंखला के बाद में जो आपका आउटर हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। तो शिवालिक, ग्रेटर एंड आपका हिमाचल, ये तीन श्रृंखलाएं पड़ती हैं आपके कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, आपके जम्मू कश्मीर में एंड आपके कहाँ पे, आपके उत्तराखंड में। तो बेसिकली अगर मैं ग्रेटर हिमालय की बात करती हूँ तो इस ग्रेटर हिमालय में ही आपकी क्या होती है, बहुत सारी चीजें पड़ती है। अब आपको कैसे समझना है इसको, यहाँ पे आप देखिएगा, चलिए भाई इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, ग्रेटर हिमालय की, तो आप लोग बोल सकते हो कि ग्रेटर हिमालय जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है एंड जम्मू एंड कश्मीर में पड़ने वाली इस ग्रेटर हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है, जो आपकी उच्चतम पर्वत श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, आपको याद करनी है तो उनको मैं आपको बताऊं कैसे याद करोगे आप, कि यहां पे पड़ती है आपकी कौन सी, आपकी काराकोरम रेंज। कौन सी पड़ती है? काराकोरम रेंज। ठीक, काराकोरम श्रृंखला पड़ती है। इसी काराकोरम श्रृंखला पे, जो कि आपकी कहाँ पड़ती है, आपके जम्मू कश्मीर पड़ती है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, मैं एचपी लिख दे रही हूँ, हाईएस्ट पीक जो है ये है आपकी गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी? आपकी गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिमालय की, या बोलेंगे हिमाचल, जो आपका हिमालय श्रृंखला है, उस हिमाचल हिमालय श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट। ये सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट जो है आपकी नेपाल में पड़ती है एंड नेपाल में पड़ने वाले इस माउंट एवरेस्ट को वहां के लोग बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। एंड अगर इसी हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो इसको हम लोग तिब्बतियन एरिया में, जहां पे आप ट्रांस हिमालय बोलते हो, तो तिब्बतियन एरिया में आपके इसी माउंट एवरेस्ट को हम लोग बोलते हैं आपका चोमो लागम। क्या बोलते हैं? चोमो लागम, या लागम भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे समझनी है एक बात को, कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये सिर्फ आपके इंडिया में नहीं है, ये इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी है, चाइना में भी है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना ही रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो आपका विश्व की सबसे ऊंची जो पीक है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय रेंज में पड़ती है। हिमालय रेंज में पड़ने वाला ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये पड़ता है कहाँ पे? आपके नेपाल में। एंड नेपाल में इसका जो नाम है वो, इसको बोला जाता है सागर माथा। नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा बोलते हैं। देन अगर हम लोग इसी की माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो इसको तिब्बत में, या हम लोग इसको बोल सकते हैं चाइना में, इसको हम लोग बोलते हैं चोमो लागम। इंडिया में इसको माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है। इंडिया में हमारी जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी हमने तीन भागों में ब्रेक किया। एक को हमने बोला ग्रेटर हिमालय, जो कि आपका बेसिकली पड़ेगा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। इस ग्रेटर हिमालय में भी पड़ने वाली जो आपकी श्रृंखलाएं हैं, उनमें से सबसे पहली पड़ती है आपकी काराकोरम श्रृंखला। इस काराकोरम श्रृंखला में आपका जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन। तो आप लोग लिख लोगे यहां पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जो कि कौन सी श्रृंखला में पड़ती है? हिमालय श्रृंखला में ही आपका काराकोरम श्रृंखला में पड़ती है। देन काराकोरम के बाद में आप बोलोगे कि यहां पे कौन श्रृंखला पड़ती है, इसको आप लोग बोलते हो लद्दाख रेंज। कौन सी पड़ती है? आपकी लद्दाख। ठीक, तो लद्दाख श्रृंखला भी आपकी कहां पड़ती है? जम्मू और कश्मीर में पड़ती है।
देन जांस्कार रेंज भी आपकी कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। एंड जो अगर मैं आपको बता रही हूँ तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा ये एक सीक्वेंस है। तो आप इस सीक्वेंस को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कैसे याद रखना है आपने, आपने देखना है कि जो हिमालय श्रृंखला थी उसको हमने भारत में तीन भागों में तोड़ दिया, एक हो गया ग्रेटर हिमालय, एक हो गया लेसर हिमालय, एक हो गया आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय बेसिकली आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, लेसर हिमालय आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एंड आउटर हिमालय आपका पड़ता है उत्तराखंड में। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ग्रेटर हिमालय में भी अपने आप में ही बहुत सारी क्या पड़ती है, रेंजेस पड़ती हैं, जिनमें से आपकी पहली पड़ी काराकोरम रेंज, जिसका हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग केटू बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि काराकोरम श्रृंखला में पड़ती है। काराकोरम के बाद में पड़ती है आपकी लद्दाख श्रृंखला, इसी के नीचे पड़ जाती है, हाइट की बात कर रही हूँ। देन उसके नीचे पड़ जाती है आपकी जांस्कार रेंज। देन आप आते हैं कहाँ पे आपका, आप तो आप हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी पड़ती है दो चार श्रृंखला, जैसे कि आप बोलोगे पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज के बाद में अगर आप बात करोगे कि हिमाचल प्रदेश में और कौन सी पड़ती है, तो आपकी धौलाधर रेंज भी पड़ती है। कहाँ पे, आपके हिमाचल प्रदेश में। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, अलग से मैं बना भी दूंगी धौलाधर रेंज, ठीक। तो ये पड़ती है आपकी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। देन अगर आप आओगे कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो यहाँ पे भी आपकी शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं। अब आपको याद क्या करनी है कि कौन कौन से पर्वत पड़ सकते हैं, तो आप देखोगे कि गॉडविन ऑस्टिन हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश में, या बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम रेंज में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। आपकी लद्दाख रेंज पड़ती है, आपकी जांस्कार रेंज पड़ती है, दोनों पड़ती है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आपकी पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधर रेंज पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, एंड उत्तराखंड में आपकी पड़ती है शिवालिक रेंज। देन इन शिवालिक रेंज में अगर आप उत्तराखंड की बात करोगे, तो यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट पीक है इसको आप लोग बोल सकते हो, ये पड़ती है आपकी नंदा देवी। कौन सी पड़ती है आपकी, नंदा देवी। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में नंदा देवी हाईएस्ट पीक है, किसकी, आपकी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमालय रेंज की। देन अगर आप जाओगे मसूरी जाते हो, आप लाहौल स्फीति जाते हो, चंबा घाटी जाते हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको हिमाचल प्रदेश में इसको याद रखना है। देन आपने याद क्या रखना है कि अपार्ट फ्रॉम गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि आपकी गॉडविन ऑस्टिन के अलावा भी आपका जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ग्रेशर ब्रह्म यहाँ पे पड़ जाता है, इसके साथ में मेशर ब्रह्म पड़ जाता है। कामेत यहाँ पे नहीं पड़ता, कामेत पड़ता है आपके उत्तराखंड में। तो नंदा के साथ में या नंदा देवी के साथ में आपके कामेत पर्वत जो है ये आपके पड़ते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। देन अगर मैं नेपाल की बात करूंगी, तो नेपाल में आपका क्या है, आपने सुना होगा सिक्किम एंड नेपाल की जो बाउंड्री है उस पे पड़ती है आपकी कंचनजंगा की पहाड़ियां। किसकी पड़ती है, कंचनजंगा की पहाड़ियां, एंड इस साइड ही पड़ती है। देन इनके जस्ट बगल में आप देखोगे कि यहाँ पड़ता है आपका मकालू, मकालू के बगल में माउंट एवरेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप पहले माउंट एवरेस्ट लिख लोगे, माउंट एवरेस्ट, एंड किस तरीके से पढ़ना है मैं फिर से बताऊंगी। माउंट एवरेस्ट के बगल में आपका पड़ता है अन्नपूर्णा की, अन्नपूर्णा की पहाड़ियां पड़ती हैं, एंड इसके बाद में आपका पड़ता है जो अन्नपूर्णा की पहाड़ियों के बगल में आपकी पड़ती है, यहाँ पे था आपकी धौलाधर, यहाँ पे पड़ती है आपकी धौलागिरी। कौन सी पड़ती है, धौलागिरी। तो अब मैं ये बता क्यों रही हूँ, पर्पस क्या है इस चीज का समझना है आपको, कि कई बार आपका जैसे जैसे स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है तो आपसे पूछा आता है कि अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हिमालय पर्वत में जो पड़ने वाली जो पहाड़ियां हैं उनका आप क्रम लिखिए कि ईस्ट टू वेस्ट जाने पे क्या उनका सीक्वेंस होगा। तो आपने देखा क्या कि अगर आप कहाँ पे हो, आप नेपाल में हो, एंड इवन आप कहाँ पे हो, सिक्किम में हो, तो आप सिक्किम से स्टार्ट करते हो, तो आप देखते हो क्या कि सबसे पहले पड़ती है कंचनजंगा, देन पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट। इंपॉर्टेंट बता रही हूं, बहुत सारी पड़ती हैं, कंचनजंगा, देन आपका माउंट एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। देन आप हिमाचल प्रदेश में आते हो जहां पे आपको पीर पंजाल रेंज और उसके साथ में धौलाधर पहाड़ियों की श्रृंखला देखने को मिलती है। तो ये यहां तक हो गया। देन अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर आप देखोगे क्या कि यहाँ पे आपकी गॉडविन ऑस्टिन पड़ती है जो कि काराकोरम रेंज में है, लद्दाख श्रृंखला पड़ती है आपकी, जांस्कार श्रृंखला पड़ती है। तो आपको इस तरीके से देखना है। अभी क्या है कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हिमालय के बारे में बताया है, इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन लिख दे रही हूँ साउथ बोर्ड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाने की टेक्निक सीख लीजिए। तो आपको साउथ इंडिया एंड इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको भी मैं क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब जल्दी से। देन फिर आप लोग लिखोगे फटाफट से सारी चीजें, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ। तो आपने देखना है क्या कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पड़ गई थी आपकी, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पड़ गई थी आपकी, एंड इसके साथ में उत्तराखंड में कौन कौन सी पड़ गई थी। पेपर में क्या पूछा जाएगा आपसे, आपको ये भी क्या करना है, याद रखना है। तो आप इसको देखोगे, इसको मैं क्या कर देती हूँ, रब कर देती हूँ। तो आपने लिखना नहीं है बहुत सारा, आपने सिर्फ समझना है, आपको जो एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट चीजें पूछी जाएंगी आपने वही पढ़नी है। चलिए आ जाइए, अभी क्या है देखिए भाई, अगर मैंने बात करी थी किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूंगी, तो यहाँ पे जो आपकी पर्वतों की श्रृंखला पड़ी थी मैं उसको सीक्वेंस में लिख देती हूँ। तो पहली बात तो आपका क्या था, आपका था ग्रेटर हिमालय, हिमालय
या वृहत हिमालय इसी को बोलते हैं, फिर आपका आया था लेसर हिमालय, हिमालय, एंड देन आपका आया था आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय आपका बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में था, लेसर हिमालय आपका हिमाचल प्रदेश में था, एंड उत्तराखंड में था आपका आउटर हिमालय, इसको हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक, एंड इसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल, हिमाचल, ठीक। आपने क्या करना है, याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर हिमालय है इसमें जो पढ़ने वाली श्रेणियां हैं उनका क्रम क्या है। सबसे पहले आती है आपकी काराकोरम श्रृंखला, पहले कौन सी आती है, काराकोरम श्रृंखला आती है, मैं ऊपर श्रृंखला लिख दे रही हूं। उसके बाद आती है आपकी एक कोड है, नॉर्मली मैंने अपने टीचर से सीखा था, गोलू को जस्सी ने पीटा, हालांकि यहाँ पे थोड़ा उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा मगर आप कर लोगे, तो काराकोरम एंड लद्दाख, लद्दाख एंड उसके बाद में आपकी जास्कार श्रृंखला, ठीक। इस काराकोरम श्रृंखला में पड़ता है केटू, इसी को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जो कि इंडिया का क्या है आपका हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, एंड लद्दाख रेंज पड़ती है, लद्दाख रेंज के बाद में आपकी जास्कार रेंज पड़ती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो यहां पड़ती है आपकी पीर पंजाल श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, आपने नाम याद रखने हैं, और इसके साथ में पड़ती है आपकी धौला गिरी धौलाधर रेंज, धौलाधर श्रृंखला, ठीक, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। शिवालिक में जाएंगे तो आपकी वहां पड़ते हैं पहाड़। देन अगर आप आते हो कहां पे, आप हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर में, तो मैं इसको इस साइड में लिख दे रही हूं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ने वाले जो आपके माउंटेन्स है जो आपको याद रखने हैं, देखिए वहां पे क्या क्या है। अगर इंडिया की सिर्फ बात करूंगी तो इंडिया में आपको ग्रेशर ब्रह्म मिलेगा, मेशर ब्रह्म मिलेगा, केटू मिलेगा, गॉडविन ऑस्टिन मिलेगा, एंड इसके साथ साथ में अगर आप नेपाल में या बोलोगे आप अगर जाते हो कहां पे, पाकिस्तान में, तो वहां पड़ता है आपको नंगा पर्वत। एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु नदी कौन से पर्वत की चक्कर काट के निकलती है, तो आप बोलोगे नंगा पर्वत के चक्कर काट के निकलती है, तो आपको यहां पे लिखना है, पहला तो हो गया आपका गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन जो आपको याद रखना है, टीन, एंड सेकेंड है आपका ग्रेशर ब्रह्म, ग्रेशर ब्रह्म, थर्ड है आपका मेशर ब्रह्म, मेशर ब्रह्म। अगर आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते हो तो आप वहां पे देखोगे, मैं पीओके लिख दे रही हूं यहाँ पे, एंड अगर आप वहां पे जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत मिलेगा, नंगा पर्वत, ठीक। अगर आप जाते हो कहाँ पे, आप जाते हो उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मिलेगा आपको जो पर्वत की जो पीक्स हैं बेसिकली आपको जो मिलेंगी, तो उनको आप बोलते हो एक नंदा देवी, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नंदा देवी के साथ साथ में आपकी एक और पड़ती है जिसको आप लोग बोलते हो आपकी कामेत, आपको याद रखना है कामेत के बारे में भी यहाँ पड़ता है। देन मैंने आपको बताया था कि यही जो आपका माउंट एवरेस्ट है जो कि आपका पड़ता है हिमालय पर्वत श्रृंखला में, तो वो पड़ता है नेपाल में, तो नेपाल में मैं आपका सीक्वेंस लिख दे रही हूँ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लिख दे रही हूँ, तो आप देखोगे वेस्ट टू ईस्ट में, टू ईस्ट कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं आपके, नीचे लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे धौलाधर था, पहली है आपकी धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत, ठीक। उसके बाद में आपकी पड़ती है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में आपका पड़ता है एवरेस्ट, एवरेस्ट एंड एवरेस्ट के बाद में आपका पड़ता है कंचनजंगा, जो कि भारत और सिक्किम की, या बोलेंगे सिक्किम एंड नेपाल की बाउंड्री पे पड़ता है, या भारत और नेपाल की बाउंड्री पे पड़ता है। तो ये सीक्वेंस है फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में, एंड जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, एंड इस पर्वत में आपका नेपाल में इसको बोला जाता है क्या, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, नेपाल में इसको हम लोग बोलते हैं सागर माथा, सागर माथा, एंड चोमो लागम इसको बोलते हैं कहाँ पे, चाइना में, चोमो लागम या तिब्बत में इसको हम लोग बोलते हैं चोमो लागम। तो हिमालय का या हिमाचल जो आपकी हिमालय की श्रेणी है उसका अगर हम लोग विस्तार करेंगे चाइना और तिब्बत में, तो वहां पे इसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोल देते हैं, तो आपको वो याद रखना है, वो ट्रांस हिमालय। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आती हूँ आपको और बताती हूँ साउथ इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो भी पर्वत श्रृंखला है या श्रेणियां हैं उनके बारे में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, किस तरीके से पूछे आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या करेंगे फटाफट से ले लेंगे सब लोग। देन अभी क्या करती हूँ, मैं इसको रब करती हूँ फटाफट से। अब आपको पर्टिकुलरली हर एक स्टेट पे जाना है कि कौन से स्टेट में कौन से पर्वत पड़ेंगे, एंड कौन से पर्वत की जो हाईएस्ट पीक होगी वो पड़ेगी आपकी कहाँ पे, आपको ये देखना है। अभी मैं मैप नहीं बनाऊंगी, मैप का काम आपने करना है, मैं आपको लोकेशन बताऊंगी कि आपको वहां पे आपको लोकेट करना है, बट आपको देखना होगा कि मैप में वो जगह है कहाँ पे, ठीक। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं रब कर रही हूँ, एंड यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो तो वहां पे कैसे पड़ती हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वहां पे कैसे पड़ती हैं,
ब्लू माउंटेन से हमेशा सबको क्या होती है, परेशानी होती है, वो भी समझेंगे कैसे होती है। तो ये तो हो गया था आपका उत्तर भारत का। उत्तर भारत में अगर आप जाते हो कहाँ पे, राजस्थान जाते हो, ठीक है। तो आप अगर राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में जो पढ़ने वाली जो पर्वत श्रृंखला है, सीरीज है, तो उसका नाम है आपका, जिसको आप बोलते हो अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली के बारे में बताऊं, अच्छा एक चीज और है कि अगर आप हिमालय में जाएंगे तो उसमें जो आप शिवालिक में जाएंगे तो शिवालिक में जो है पहाड़ियां वो नवीन शाह है आपकी, मतलब बहुत ज्यादा यंगेस्ट माउंटेन है इंडिया में। अरावली की जाओगे तो ये आपकी प्राचीनतम भारत की जो पहाड़ियां हैं उनके में आ जाती है अरावली में। एंड अरावली में आपका एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू। एंड माउंट आबू में आपका अरावली पर्वत श्रृंखला पे आपका गुरु शिखर है जो कि क्या है, आपकी हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रेंज एंड यहाँ पे उसके लिख लीजिए पीक कि कौन सी ऊंची चोटी है। तो अगर आप राजस्थान में जा रहे हो तो गुरु शिखर आपकी क्या पड़ेगी, हाईएस्ट पीक बनेगी, कहाँ पे, आपकी अरावली रेंज में। देन अगर आप जाते हो कहाँ पे, गुजरात में, जस्ट राजस्थान के मैं नीचे की बात कर रही हूँ। तो अगर आप गुजरात जाओगे तो गुजरात में आपकी सौराष्ट्र का क्षेत्र है और उस सौराष्ट्र के क्षेत्र में आपकी पड़ती है गिर की पहाड़ियां। तो गिर की पहाड़ियों में भी आपकी जो सरकाला की पीक है वो हाईएस्ट है, तो आप लिखोगे गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां। एंड ये सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ती हैं पहाड़ियां और इनकी जो हाईएस्ट पीक है ये है आपकी सरकाला की पहाड़ियां, सरकाला की पहाड़ियां, ठीक, पहाड़ी है। देन अगर आप जाते हो छोटा नागपुर के पठार में तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, पठार, तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, पठार है लेकिन आप इसको पहाड़ियों में रेंज में कंसिडर करोगे। एंड हाँ, बेसिकली मैं एरिया लिख दे रही हूँ, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार उधर आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपका झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड जाएंगे तो वहां पड़ेगा आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है आपका पारसनाथ, कौन सी है आपकी, पारसनाथ, ठीक। अगर आप जाते हो कहां पे, झारखंड के नीचे, अभी मैं मैप बना दूंगी आप उसको लोकेट कर लीजिएगा, झारखंड के बगल में या नीचे आप जाओगे अगर मध्य प्रदेश में, अगर आप एमपी में जाते हो, मध्य प्रदेश में जाते हो, तो मध्य प्रदेश में पड़ती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एंड उसके साथ में पड़ती है सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो अगर आप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करोगे तो विंध्याचल की जो हाईएस्ट पीक है इसको आप बोलते हो अमरकंटक, कौन सी बोलते हो, अमरकंटक। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं या पहाड़ी है या आपकी हाईएस्ट पीक है कहाँ पे, आपकी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। देन गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके साथ साथ में अगर आप जाते हो कहाँ पे, आप जाते हो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र को उत्तरी सह्याद्री एंड दक्षिणी सह्याद्री दो भागों में विभाजित करके रखा गया है। तो अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं या महाराष्ट्र, तो यहाँ पे क्या है, आपको दो भागों में तोड़ा है, एक है आपका उत्तरी सह्याद्री श्रृंखला, उत्तरी उत्तरी सह्याद्री श्रृंखला एंड है आपकी दक्षिणी सह्याद्री याद्री श्रृंखला। तो उत्तरी आपकी जो है इसकी जो हाईएस्ट पीक है इसको बोलते हो काल सुबई, क्या बोलते हैं हम लोग, काल सुबई। एंड अगर आप दक्षिण सह्याद्री में जाओगे तो इसकी पड़ती है आपकी कुद्रेमुख, कौन सी पड़ती है आपकी, कुद्रेमुख। तो आपको ये याद रखना है कि कुद्रेमुख जो है ये आपकी दक्षिणी सह्याद्री में है, जो बेसिकली कहाँ पे है आपकी, दोनों महाराष्ट्र में है, वहां पड़ती है। देन अगर आप और ज्यादा नीचे जाओगे तो आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की जो उच्चतम चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है, तो आपको उसके बारे में भी क्या होगा, लिखना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको दक्षिण भारत की भी बता देती हूँ कौन सी पीक हाईएस्ट है। एंड फटाफट से कुछ भी नहीं है, आपने देखा राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिनकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। एंड हाँ, कभी भी आपसे इनकी हाईएस्ट पीक से आपसे पूछा नहीं था कि कितने मीटर की है, तो वो याद मत करिएगा, आपसे बस लोकेशन पूछी जाएगी। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है कि आप उन सारी चीजों को क्या कर सको, याद कर सको। तो राजस्थान में देखना आपने अरावली पर्वत श्रृंखला में आपकी गुरु शिखर पड़ती है, गुजरात में गिर की पहाड़ियों में सरकाला की पहाड़ी पड़ती है, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में आपका पड़ता है पारसनाथ, मध्य प्रदेश में जाएंगे विंध्याचल की मैं हटाती हूँ। एंड बात करेंगे हम लोग किसकी, आपकी बची हुई स्टेट्स की, तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं फटाफट से देख लेते हैं। लोकेशन मैं अभी बना दूंगी, पूरा आप मैप देख लोगे एंड में, एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा कि कौन सी रेंज है, कौन सी हाईएस्ट पीक है, कहाँ पे है ये। तो फिर से अगेन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ रेंज, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसकी हाईएस्ट पीक उस पर्टिकुलर एरिया की जो स्टेट है उसकी। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट लिख देती हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा था मध्य प्रदेश, या इसको मैं एमपी से डिनोट कर दे रही हूँ, एमपी में आपकी पड़ती है जो आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो उन सतपुड़ा की पहाड़ियों की आप बोलोगे जो हाईएस्ट रेंज है या पीक है, इसका नाम है आपकी धूपगढ़, कौन सी है आपकी, धूपगढ़, ठीक। अब अगर आप जाते हो कहाँ पे, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में अगर आपने देखा क्या,
कि बेसिकली स्टेट का, तो मैं बात करूंगी कि आपकी पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आपकी पड़ती हैं अलाई मुड़ी की पहाड़ियाँ, आपकी पड़ती हैं बहुत सारी पहाड़ियाँ। तो अगर आप, अगर आप बात करते हो किसकी, आप बेसिकली बात करते हो नीलगिरी की पहाड़ियों की, जो कि आपकी तमिलनाडु में, हम लोग मानते हैं कि तमिलनाडु में कर्नाटका के और केरल के बॉर्डर में पड़ती है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ नीलगिरी, ठीक, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, इनकी पहाड़ियों की जो हाईएस्ट पीक है ये है डोडा बेट्टा। कौन सी आपकी? डोडा बेट्टा, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियों की है डोडा बेट्टा, ठीक। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, आप बात करोगे अनाई मुड़ी की, आप अन्नामलाई की बात करोगे, तो आप देखोगे क्या कि अन्नामलाई की पहाड़ियां पड़ती हैं, अन्नामलाई, ठीक। एंड इन अन्नामलाई की पहाड़ियों की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कौन सा? आपका अनाई मुड़ी। तो आपको क्या याद रखना है, अनाई मुड़ी हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई की पहाड़ियों की, जो कि बेसिकली कहां पे आपकी कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। एंड इन्हीं का अगर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंशन करेंगे तो आपकी जो बोलोगे आपकी जो कार्डेमम की पहाड़ियां, जो इलायची की पहाड़ियां हैं, वो भी कहां पड़ती हैं? आपकी इन्हीं जगहों में पड़ती हैं। तो आपने यहां पे देखा। देन अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाते हो और वहां पे देखते हो आप कहां पे, मिजोरम में। तो अगर आप मिजोरम में देखोगे तो वहां पे आप देखोगे क्या कि मिजोरम में पड़ती हैं आपकी बेसिकली ब्लू माउंटेन्स, या बोलोगे मिजो की पहाड़ियां पड़ती हैं। तो मिजो की पहाड़ियां जो हैं, मिजो की पहाड़ियां हैं, उनकी जो हाईएस्ट पीक है इसको हम लोग ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं। नीलगिरी में और ब्लू माउंटेन्स में अंतर है, नीलगिरी को हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियां ही बोलते हैं। एंड अगर आप मिजोरम में जाओगे, मिजो की पहाड़ियों में जाओगे, तो यहाँ पे फोंगुई नाम है इनका, इनको कई बार हम लोग ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो हम फोंगुई लिख देंगे यहाँ पे, फोंगुई। एंड इसके साथ साथ में आप ब्लू माउंटेन्स भी लिख दोगे, इनका क्या है, नाम है। तो आपका ये हो गया ब्लू माउंटेन्स। देन आपने बहुत सारी स्टेट पढ़ी हैं, देन अभी आप अंदर आंध्र प्रदेश नहीं गए, आप कर्नाटका नहीं गए, वहां पे बेसिकली रेंज नहीं है, बहुत हाईएस्ट पीक नहीं है। बट अभी आप क्या करोगे, आप देखोगे आप कहाँ कहाँ पे कौन से माउंटेन पड़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, दक्षिण भारत की एक मैप बनाऊंगी, आप उसको देखोगे एंड कहाँ पे कौन सी पहाड़ी पड़ती है उसको भी आप क्या करोगे, समझोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एंड मैं आगे क्या करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी मैंने इसको हटा दिया है एंड फटाफट से हम लोग देख लेंगे जो बचा हुआ है मैप। आपने उत्तर भारत में देखा था मैप, अभी आप दक्षिण भारत का मैप भी देखोगे एंड उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा स्टेट का लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे कौन से पर्वत पड़ते हैं। तो ये है आपका कौन सा मैप, आपका दक्षिणी भारत, ठीक। मैंने एक दक्षिण भारत का छोटा सा मैप बनाया हुआ है एंड यहाँ पे मैं सभी स्टेट्स के नाम बना दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है एंड कहाँ पे कौन से पर्वत हैं आपके, ठीक है। तो ये लीजिए भाई, चलिए देखिए, ये है आपका केरल, ठीक। और मैं स्टेट का नाम ब्लैक से लिख रही हूँ, ब्लू से लिख दूंगी मैं उसमें पड़ने वाले माउंटेन का नाम। ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये है आपका कर्नाटका, कर्नाटका। ये है आपका आंध्र प्रदेश। ये है आपका तेलंगाना, तेलंगाना। ये है आपका उड़ीसा। ये है आपका वेस्ट बंगाल। ये है गोवा। ये है आपका महाराष्ट्र। यहीं पे उत्तरी सह्याद्री एंड दक्षिणी सह्याद्री पड़ा था, गोवा को हटा दिया। एंड ये था आपका गुजरात, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सरकाला की पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपकी, वो आपने देखा था। एंड इधर यहाँ पड़ जाता है आपका छत्तीसगढ़, ये पड़ता है आपका झारखंड, झारखंड। एंड इधर ये है आपका मध्य प्रदेश, MP, ठीक। तो आप इसको ऐसे समझेंगे। अब देखिए मैं स्टेट्स में आपके पढ़ने वाले जो माउंटेन्स हैं उनके नाम लिख रही हूँ कि अगर आप जाते हो कहाँ पे, आप तमिलनाडु में जाते हो तो तमिलनाडु में एक फेमस पहाड़ियाँ हैं, एग्जामिनेशन पूछी जाती है, कोई हिल एंड रेंज की या पीक की बात नहीं हो रही है, बट आपसे नॉर्मली बात हो रही है कि अगर बोला गया कि जावेदी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है तो आप सिंपली बोलोगे वो पड़ती हैं कहाँ पे आपके, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में पड़ती हैं जावेदी की पहाड़ियाँ, ठीक। अगर आप जाते हो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में पड़ती है आपकी श्रीशैलम। कौन सी पड़ती है आपकी? श्रीशैलम। एंड इस श्रीशैलम के साथ साथ में आपकी पड़ती है एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नल्लामल्ला। कौन सी आपकी? नल्लामल्ला है। तो मैं इसके साथ में लिख दे रही हूँ नीचे, श्रीशैलम के नीचे मैं लिख दे रही हूँ नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ आपकी। तो श्रीशैलम थी एंड इसके साथ साथ में नल्लामल्ला, ठीक। ये कहाँ पड़ती है आपकी? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। एंड अगर आप जाते हो कहाँ पे, आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में जाते हो तो यहाँ पे आपकी पड़ती है महेंद्रगिरी एंड मलयगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत एंड मलयगिरी गिरी। अगर आप उड़ीसा की बात करें या बेसिकली आप पूर्वी घाट की बात करेंगे तो देवड़ी मोडा आपकी पड़ती है, हाईएस्ट पीक होती हैं। एंड अगर आप जाते हो वेस्ट बंगाल में तो यहाँ पड़ती हैं आपकी टाइगर हिल्स। कौन सी पड़ती हैं आपकी? टाइगर हिल्स। तो आपको टाइगर हिल्स याद रखनी है। अगर आप जाते हो छत्तीसगढ़ तो यहाँ पड़ते हैं मैकाल पर्वत, मैं नाम यहीं पर लिख दे रही हूँ, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में पड़ेंगे। MP में अगर आप जाते हो तो नीचे है सतपुड़ा,
एंड ऊपर है आपकी विंध्याचल, आपको ये याद रखना पड़ेगा। विंध्याचल की मैंने आपको बताई थी कि हाईएस्ट पीक कौन सी थी, आपने सतपुड़ा की भी पढ़ी थी। गुजरात में आपकी यहाँ पे सरकाला की पहाड़ियाँ थी जो कि आपकी गिर क्षेत्र में पड़ती हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पे कुद्रेमुख या आपने बोला था सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में उत्तरी सह्याद्री था एंड दक्षिणी सह्याद्री था। उत्तरी सह्याद्री की थी आपकी कालसुबई एंड दक्षिणी सह्याद्री की थी आपकी कुद्रेमुख। तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है। अगर आप जाते हो कर्नाटका में तो मैंने आपको जब रिवर्स बताऊंगी तो मैं पता चलाऊंगी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, इसके साथ साथ में आपके लिए बोलोगे बाबा बुदन की पहाड़ियां भी पड़ती हैं कहाँ पे, कर्नाटका में। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक हो गई आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां एंड एक हो गई आपकी बाबा बुदन की पहाड़ियां, तो ये आपको पढ़ना है। एंड अगर आप केरल में जाते हो तो केरल तमिलनाडु के पास में आपका पड़ता है पालघाट, तो आपको पालघाट भी याद करना है। बेसिकली ये पहाड़ियां हैं। झारखंड में आप गए तो यहाँ पड़ा था आपका छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार जो था उसकी हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई ही थी कि आपकी पारसनाथ थी, सतपुड़ा की धूपगढ़ थी एंड विंध्याचल की आपकी अमरकंटक थी। तो इन सभी का क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने बेसिकली ये सारी पहाड़ियां पढ़ ली हैं एंड स्टेट्स भी पढ़ ली कि कौन सी स्टेट कहाँ पर पड़ती है। देन मैं आपको बताती हूँ कौन सी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पढ़ने वाली जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में। तो इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड फटाफट से इसको क्या करेंगे, एंड करेंगे इस टॉपिक को। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब जल्दी से। दक्षिण भारत है आपका, चलिए अभी मैं इसको हटा रही हूँ। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग, जाएंगे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। पहले आप स्टेट्स का मैप देख लेंगे कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं एंड उसके बाद में आप लोग देखोगे कि आपका जो इंडिया के माउंटेन्स हैं वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं आपके आज के टॉपिक में। तो हम लोग इंडियन माउंटेन्स की बात करते हैं फटाफट से। देखिए भाई, अगर हम जाते हैं कहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये है आपका उत्तर पूर्व भारत का मैप एंड इसको मैंने क्या किया है, कुछ इस तरीके से आपके सामने ड्रॉ किया है। ये है आपका सिक्किम, ये है आपका आसाम, ये है आपका मेघालय, ये है आपका त्रिपुरा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। एंड आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है आपका भारत में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो। देन अगर अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो पड़ता है आपका नागालैंड, नागालैंड के नीचे पड़ता है मणिपुर एंड मणिपुर के नीचे पड़ता है आपका मिजोरम। तो मिजोरम में ही आपने पढ़ी थी कौन सी आपकी, मिजो की पहाड़ियां एंड मिजोरम में ही आपने पढ़ी थी आपकी बताऊं तो आपकी लुशाई की पहाड़ियां भी पड़ती हैं त्रिपुरा एंड मिजोरम में। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाओगे सिक्किम में तो आप, मैंने बोला था बॉर्डर पड़ता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंचनजंगा, कौन सी आपकी कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ गई। असम में जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे दाफला की पहाड़ियां पड़ती हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे है आपकी दाफला रेंज, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे पड़ जाएगी, देखने को आपको मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पे पड़ती है आपकी नमचा बरवा, कौन सी पड़ती है नमचा बरवा एंड आपके साथ में इसके साथ में पटकाई बूम, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो नमचा बरवा एंड पटकाई बूम आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। मिजो की पहाड़ियां आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे आपको मैं लिख दे रही हूँ मिजो की पहाड़ियां जो कि आपको देखने को मिलेंगी मिजोरम में, नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन्हीं में ब्लू माउंटेन्स या फोंगुई पड़ती हैं। अगर आप मेघालय में जाते हो तो यहाँ पड़ती है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। थोड़ी सी आपकी असम तक जाती हैं जयंतिया की पहाड़ियां एंड त्रिपुरा में जाते हो तो यहाँ पड़ती हैं लुशाई की पहाड़ियां। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो लुशाई की पहाड़ियां हैं इनका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे लुशाई ट्राइब क्या होती है, रहती है, निवास करती है। तो आपने देखा क्या कि आपने कौन कौन सी पहाड़ियां पढ़ ली, नमचा बरवा एंड पटकाई बूम पड़ी आपके अरुणाचल प्रदेश में, मिजो की पहाड़ियां पड़ी मिजोरम में जहाँ की ब्लू माउंटेन सबसे हाईएस्ट पीक है, लुशाई की पहाड़ियां पड़ी आपकी त्रिपुरा में, एक्सपेंशन इसका मिजो की पहाड़ियों का त्रिपुरा तक भी होता है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पड़ी एंड दाफला रेंज पड़ी कहाँ पे आपके असम में, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में पड़ गई आपकी कंचनजंगा की पहाड़ियां। अब आपको नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एंड साउथ इंडिया का मैप पता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका सीक्वेंस क्या है तो आप पहले क्या लिखोगे, नमचा बरवा एंड देन आपका कौन सा आएगा, आपका कंचनजंगा आएगा। तो आपको याद रखना है कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर पहाड़ियां पड़ती हैं तो उनका क्या क्या लोकेशन है एंड क्या उनका सीक्वेंस हो जाएगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको याद रखना है। तो आपका आज का टॉपिक मैं यहीं एंड कर रही हूँ, बेसिकली भारत की कुछ पहाड़ियां हैं एंड आगे आने वाले समय में आपको और भी लेक्चर्स देती रहूंगी, बैक टू बैक लेक्चर्स देती रहूंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपना अपना ध्यान रखेंगे, टाटा बाय।